गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब कोई सोल्ड लिक्विड में सॉल्युबल हो देन हाउ कैन वी सेपरेट इट। प्रीवियस वीडियो तक कुछ वीडियो हमने बनाई जिसमें हमने देखा कि दो सॉलिड्स आपस में अगर मिक्स हो रहे हैं देन हम कैसे सेपरेट करेंगे। ओके, आज हम सेकेंड टाइप सेपरेशन का पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स हो रहा हो तो हम उसे कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलो अब तक के जो प्रोसेस हमने देखे उसमें अगर मैं ग्रेन्स की बात कर रहा हूँ या किसी राइस की बात कर लेता हूँ, मैंने हैंड पिकिंग करके उसमें से स्टोन्स अलग कर लिया, थ्रेशिंग मैंने कर लिया, सीविंग मैंने उसका कर लिया, देन फिर भी उसमें क्या होती हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल सी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। ठीक है, देन हाउ कैन वी सेपरेट दिस स्मॉल फ्लफी इम्प्योरिटीज फ्रॉम द राइस और अ ग्रेन्स, बाई दिस प्रोसेस वी कैन ईजिली सेपरेट इट। ओके, तो फर्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन, देन सेकंड है डिकैंटेशन। होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, देखो एग्जांपल से हम समझते हैं, देन हमने जो लिखा है उस पर हम जाएंगे। ओके, अब बाजार से हमने क्या किया, राइस परचेज किया, मार्केट से मैंने राइस परचेज किया, देन मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैंने उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो मैं सेपरेट कर चुका हूं बाय द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, सेविंग, वीविंग एंड ऑल, जितने भी प्रोसेस होते हैं आप उससे क्या करेंगे, सॉलिड्स की जो इम्प्योरिटीज़ है आप उसे सेपरेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है, उसमें कुछ स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से, जो दिखते भी नहीं है अपन को और अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, घर पे हम राइस लाते हैं, एक बार तो हम भी सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, हैंड पिकिंग हमने कर लिया, देन हम सेविंग कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं, विनोविंग कर रहे हैं, करके उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बीकर में या फिर आप जो पॉट यूज़ कर रहे हैं, बर्तन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप क्या करते हैं, चावल को रखते हैं, राइस रखते हैं, उसमें क्या करते हैं आप वाटर फिल करते हैं। वाटर फिल करने से होता क्या है, वाटर जो हैवियर होता है वो तो बॉटम पार्ट में क्या हो जाता है, आपके जाके बैठ जाता है। अपर पार्ट में देखना, जब आप उसे हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे तो वाटर तो नीचे आ जाएगा, सॉरी राइस तो आपका बॉटम पार्ट पे इकट्ठा हो जाता है ना, और ऊपर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, किसके साथ, कुछ जो स्मॉल इम्प्योरिटीज रहती हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स बच जाता है राइस के साथ। जब तक आप सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेशन नहीं करेंगे, तब तक तो खाने के यूज़ के करने लायक है नहीं वो बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी डालते हैं तो जो इम्प्योरिटीज़ और डस्ट पार्टिकल जो राइस में लगा होता है वो क्या होता है, पानी के साथ ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो फ्लोट होता है पानी में, लाइट होने की वजह से ऊपर तैरने लग जाता है, ऐसा ही होता है। फिर हम क्या करते हैं, उस पानी को, क्योंकि हमारे यूजलेस पानी रहता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, और जो नीचे का पार्ट बचता है उसे हम यूज़ कर लेते हैं फर्दर फूड बनाने में, है ना। कभी आपने कुछ चावल का कुछ बना लिया, बिरयानी बना ली या कुछ और बना लिया, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, वेज बिरयानी आपने बना ली। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि पहला जो प्रोसेस, आपने वाटर जो फिल किया और चावल नीचे बैठ गए और ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर आ गए, उसे क्या बोलते हैं। देन जो पानी निकालने का जो प्रोसेस था उससे आपको जो चावल मिले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। ओके, वन बाय वन हमने दोनों पार्ट लिखे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, उससे एक जनरल आइडिया आपको आ गया होगा कि सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में हम करने क्या वाले हैं बेसिकली। ओके, तो बेटा सेडिमेंटेशन होता क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर कॉम्पोनेंट्स बाय एडिंग वाटर टू इट, हेवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करने का एक प्रोसेस होता है By adding water, क्या add करके, water add करके आप heavier particles को separate कर सकते हैं, such that heavier particles settle down is called sedimentation। जैसे ही आप water add करेंगे तो जो heavier particles है वो तो settle down हो जाएगा और जो light particles है वो upper part पर आ जाएगा, तो इस process को ही क्या बोलते हैं बेटा, इस process को ही बोलते हैं sedimentation। Is that clear? चल, एंड द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट, एंड जो सॉलिड लेयर आई है डायग्राम में देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपके पास राइस है, ये वाटर है, तो जो नीचे का पार्ट होगा, ये लेयर जो फॉर्म हो रही है, इतने इतने पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, इतने इतने पार्ट को हम बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। जो हेवियर पार्ट रहता है, जो बॉटम पार्ट में बैठ जाता है, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। ओके, द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। जो वाटर आपने मिक्स किया
जो ऊपर के पार्ट पे आ गया, नीचे बॉटम पे बैठ गया हैवियर पार्टिकल्स, ठीक है, जो अपर पार्ट का लिक्विड होता है बेटा, उस लिक्विड को आप बोलते हैं सुपर नेटेंट लिक्विड। कौन सा लिक्विड? सुपर नेटेंट लिक्विड आप बोलते हैं। ठीक, डायग्राम में देखो हमने लिया है कि आप क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो किस किस का, सैंड एंड क्या है आपके पास, आपने सैंड लिया हुआ है, सैंड एंड वाटर आपको मिक्स करके दिया हुआ है, देन आपको सेपरेट करना है, सैंड अलग करना है, वाटर अलग सेपरेट करना है। देन हमने सिर्फ अभी इतना देखा है कि जैसे ही मैं बीकर में सैंड लेके उसमें वाटर मिक्स करूंगा देन होगा क्या। ये नीचे हमने देखो दिया है आपको सॉल्यूट लिया है एज अ सैंड, सैंड नीचे ही अपर पार्ट बॉटम पार्ट पर सैंड इकट्ठा हो जाएगी और वाटर क्या होगा अपर पार्ट पे आ जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ बेटा ये होता है आपका सेडिमेंटेशन। ओके, देन आगे क्या होता है वो देखो, द लाइटर डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट द वाटर अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स डिस्कार्डेड। डस्ट पार्टिकल के साथ वाटर को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है क्योंकि यूजलेस होता है, गंदा पानी होता है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुपरनेटेंट लिक्विड, या आप सुपरनेटेंट लिक्विड लिखो या फिर सेडिमेंट लिखो, वो दोनों के केस में आप दोनों को सेपरेट ही कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सेडिमेंट भी आप लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सुपरनेटेंट लिक्विड भी आप लिख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सुपरनेटेंट लिक्विड वाटर ही यूज हो, कुछ अदर सब्सटेंस भी हो सकता है, है ना। अलोंग विद लाइटर डस्ट पार्टिकल्स, साथ में क्या निकलते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी निकल जाएंगे, वही तो सेपरेट करना है हमें, इज कॉल्ड डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा, डिकेंटेशन बोलते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। पहले मैं फर्स्ट वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन सेकंड वाला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया, एक बीकर में हमने सैंड लिया है बेटा, ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने सैंड लिया था ये रहा, उसमें हमने जैसे ही वाटर मिक्स किया तो क्या हुआ, सैंड तो बॉटम पार्ट पे जाकर इकट्ठा हो गई और जो डस्ट पार्टिकल थे वो वाटर के साथ अपर सरफेस पे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, डस्ट पार्टिकल्स को अलोंग विद द वाटर उसे क्या करना है, डिस्कार्डेड करना है। तो मैंने एक और बीकर लिया, उस बीकर में मैंने क्या किया, वाटर को डिस्कार्ड करना स्टार्ट किया इस तरीके से। देखिए ये मेरे पास सैंड यहाँ पर रह जाएगी और जो वाटर है वो अलोंग विद द डस्ट पार्टिकल्स इधर मैंने ले लिया। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, ये सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन वाला प्रोसेस है बेटा, ये सेडिमेंट बच जाएगा और ये सुपरनेटेंट लिक्विड आपको सेपरेट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप कहाँ कर सकते हैं, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने में, वहां पर एक एपरेटस यूज होता है जिसे आप बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। या अगर आपके पास एपरेटस नहीं है तो भी देखो आप क्या करते हैं, वाटर है और ऑयल मिक्स कर रखा है तो ऑयल हैवी नहीं होता है बेटा, लाइट होता है तो क्या हो जाता है वाटर के अपर पार्ट पे आ जाता है, और वाटर क्या होता है हैवी होने की वजह से नीचे के पार्ट पे बैठा रहता है। तो अब मुझे सेपरेट करना है तो मैं क्या करूँ, उसको क्या कर लूँ, डिस्कार्ड कर दूँ ऑयल को, क्योंकि ऑयल ही ऊपर पार्ट पे है, तो मैं ऑयल को डिस्कार्ड कर दूंगा तो ऑयल और वाटर मेरे को सेपरेट सेपरेट मिल जाएंगे। क्लियर है ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को आप क्या करें, वाटर मिक्स करें तो वो बॉटम पार्ट पे इकट्ठा हो जाएगा, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं सेडिमेंटेशन। एंड डिकेंटेशन क्या बोलते हैं कि जो इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स है वो अपर सरफेस पे आपकी क्या होगी, फ्लोट होगी, तैरेगी। तो आप जो वाटर को डिस्कार्ड करोगे, अलग करोगे, सेपरेट करोगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। इज दैट क्लियर, इतना ही है बेटा इसके बारे में। फर्दर और भी प्रोसेस हैं, ये हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा है कि आप सॉलिड को लिक्विड में से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।